सीन्स हैं वो इस तरह के हैं कि आज हम अपना तीसरा व्लॉग शुरू करने जा रहे हैं। तो आज जाना है मैंने अपने गांव वापस। तो आज का सीन यही है कि मैं वो दिखाऊंगा। अभी मैंने करनी है कपड़ों की पैकिंग। क्या अपना सामान पूंजते हुए किधर जा रहे हो सर? बेबी कार कहाँ जा रहे हो? कार। घर कौन सा? कार। कहाँ घर जा रहे हो? पेंड। अपने कहाँ पर? पेंड। अच्छा पेंड जा रहे हो अपने। चलो ठीक है मैं जाता हूँ। इधर आओ ना। क्या करने जा रहे हो पेंड? मिठाई खाने। पैकिंग करने के बाद अब आप सोच रहे होंगे ये इतना बच्चा दुखी क्यों है और आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं यार, मैं वो काम ढूंढ रहा हूं जो हम सोचते हैं कि हम पेपर होने के बाद करेंगे। कहां है वो काम यार, मुझे भी बताओ। उसके बाद ही हम अपना सामान जो है वो गाड़ी में पैक करते हुए। गाड़ी बंद हो नहीं रही थी क्योंकि सामान था ज्यादा। तो सुनो मैं आईफोन कार्ड के काम। कोई मसला नहीं, मैं ना आईफोन प्रो में भी लॉगिन कर रहे हो। आईफोन कार्ड प्रो मैक्स। इधर देखो स्पोज बनाओ। और ये डॉक्टर साहब जो ये हैं वो यहाँ पर कैमरा शाई होते हुए और वीडियो से दूर भागते हुए कि मैंने वीडियो नहीं बनवानी। आप क्या कहना चाहेंगे? आप गांव जा रहे हैं, आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत गंदा। गंदा गांव बहुत गंदा होता है। मिट्टी धूल आती है जी, सारा कुछ होता है, बहुत ज़्यादा गोबर होता है वहाँ जी, जगह जगह पे जी उल्टी आ रही है ना। एक घंटे का सफर तय करने के बाद आखिरकार हम अपने गांव पहुंच चुके थे और ये डॉक्टर साहब की हालत आप देख सकते हैं। भाई गांव पहुंच चुके हैं आप? तो हम गांव पहुंच चुके हैं और यहां की ताज़ा हवा में घर पहुंच चुका हूं गांव इस वक्त। ये आप देख सकते हैं पीछे सर सब शादाब खेत। ये हो गया कि अब हम घर पहुँचे हैं तो हमारी जो किचन है उसके ऊपर डेमुओं ने कब्जा कर लिया। डेमू मतलब वो उर्दू में कहते हैं उनको भेड़, वो पीला पीला नहीं होता, वो जहाज टाइप। बताओ हमारे घर में क्या हुआ है, हम क्या करने जा रहे हैं? पेट्रोल लेने जा। पेट्रोल लेने जा रहे हैं। और हम ये पेट्रोल क्यों लेने जा रहे हैं? डेमो को मारने के लिए। डेमो को मारने के लिए। ये है जी वो जहाज जिन्होंने हमारे घर के ऊपर कब्जा कर लिया था और अभी हमको मारेंगे। बड़ी ही मुश्किलों के बाद जो है वो हमें पेट्रोल मिला और पेट्रोल लेने के बाद ही हमने कहा कि अब ऐसी की तैसी तुम लोगों की। ये हम आ गए हैं, ये मेरे हाथ में पेट्रोल है, वो दूसरा है और अभी हम डेमो मार। घर पहुंचने के बाद ही हमारी उनके साथ हुई जंग और आखिरकार हमने फतह याबी हासिल की। और आप सोच रहे होंगे कि ये पैसे जो है ये लेला आ रहा है, ये क्या है आखिर? ये पैसे हमने कर्जे वाले लिए थे, वो वापस करने जा रहा हूँ मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। इसके बाद ही हमने अपना क्रिकेट का सफर शुरू किया क्योंकि हमारा था मैच और हमने खेलना था। ये है जी हमारे ग्राउंड की तरफ जाता हुआ एक दुश्वार रास्ता जो हमने पार किया। तेरे साथ बड़ा नाराज। क्यों नाराज है आप? कोई वजह? तू बहुत घटिया इंसान है। मेरी कॉल नहीं उठाता तू। कॉल बकवास बंद कर। सुबह से मैंने तुमको 5 कॉल की है, एक भी नहीं उठाई तू। टॉस हारने के बाद ही हम अपनी बॉलिंग एंड को ठीक करते हुए यहाँ पर थोड़ा सा पानी फेंकना था क्योंकि जगह थी थोड़ी सी खराब। सरदार भाई हम किधर जा रहे हैं? हम इधर आज आए हैं, पहला मैच है हमारा, प्रैक्टिस मैच है। अच्छा प्रैक्टिस में आए। हम जा किधर रहे हैं आप? इधर हम बाउंड्री पे जा रहे हैं। बाउंड्री पे क्यों जा रहे हैं हम? बस उधर से गेंदें उठानी है। क्यों? हम टॉस हार चुके हैं। हाँ, हमने पहले फील्डिंग कर लिया। और जेड़ा साडा कप्तान जुड़ू दा कड़मा है। ये नहीं सही आ गया। साडा कप्तान जुड़ू दा ही कड़मा है। अच्छा मैच हारदा टॉस। मैच खत्म होने के बाद ही हम मैच की समरी डिस्कस कर रहे थे और यहाँ पर जो है वो बैट्समैन और बॉलर जो थे वो एक दूसरे को चैलेंज कर रहे थे कि आने वाले कल के टूर्नामेंट के मैच के अंदर हम एक दूसरे को देखें। मैच खत्म होने के बाद ही शाम को थी हमारी इफ्तारी इसरार भाई की तरफ। ते हुण तू दस किधे बहना किधे वैसे जिले पैसे आ रहे शिमन के आके होटल ते बहना? होटल ते क्यों बहना? इफ्तार करने के बाद हमने सोचा कि अब क्या किया जाए तो हम चले गए साहिवाल और वहाँ पर जाकर हमने पहले खेला स्नोकर। उसके बाद जी इन लोगों ने करनी थी थोड़ी बहुत शॉपिंग। ये है हमारे ज़ाद भाई, इनके लिए हम सैंडल लेने आए। ज़ाद भाई कौन सी सैंडल लेने आए? जो फ्री मिल जाए।
मुझे आ गया जी ये एक स्नीकर्स पसंद, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये ख़रीद लूँ। जैसे ही मैंने प्राइस टैग खोला, मैं कहा चल पुत्र छुट्टी कर। जूते वगैरह ख़रीदने के बाद ही इसरार भाई ने लेना था मोबाइल अपना, उन्होंने लिया न्यू मोबाइल। तो हम यहाँ पर मोबाइल की शॉप पर उनके मोबाइल के आने का इंतज़ार करते हुए आखिरकार इन्फिनिक्स का मोबाइल ख़रीदने के बाद ही हमारी जो तबीयत थी वो अब काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो आज के लिए बस यार इतना ही था, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना।